कोरोना वायरस की बीमारी को खत्म करने के लिए लगाए जा रहे टीके। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंदर इस समय गंभीर महामारी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए और रोकने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास जतन शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर उज्जैन शहरी सीमा क्षेत्र और तहसीलों की हॉस्पिटल शासकीय परिसरों के अंदर गंभीर महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जहाँ पर टीके लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, पर कम मात्रा में इंजेक्शन यहाँ पर पहुँचने की वजह से कुछ देर में ही इंजेक्शन खत्म हो जाते हैं और लोग परेशान होते हुए दिखते हैं, क्योंकि कई लोग अपनी जरूरत और महत्वपूर्ण काम छोड़कर टीका लगवाने के लिए पहुंचते हैं, पर यह से इन्हें यहां पर पता चलता है कि इंजेक्शन खत्म हो चुका है, टीका खत्म हो चुके हैं, तो वह काफी देर तक तो बैठे ही रहते हैं और इंतजार करते दिखते हैं। जब इंजेक्शन टीके नहीं आते हैं तो थक हार कर वापस आ जाते हैं। परेशान होकर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन भेजे ताकि आम नागरिक परेशान ना हो। देखिए मध्य प्रदेश से इंद्र परमार की यह रिपोर्ट। मैडम, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब इनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, इनको इंजेक्शन नहीं लग पाएंगे, तो किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को जिला मुख्यालय से बढ़ाना चाहिए इंजेक्शन को, क्या करना चाहिए? कल से डोज और बढ़ जाएंगे। अच्छा। आज हमारे पास 100 डोज लग रहे हैं, कल से वैक्सीन और बढ़ जाएगी, तो कल सारे लोगों को हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोगों को लगा। अगर जिला मुख्यालय से बढ़ा के डोज भेज दिए जाते हैं तो किस प्रकार से आप लोग काम करने में फायदा रहेगा और क्या रहेगा? हाँ जी, अगर जिला मुख्यालय भेजते